प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जब न्यूट्रिशन प्लांट्स में इंट्रोडक्शन लिया और सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज अ प्लांट है, क्या चीज, वो वर्क क्या करते हैं, वो अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स कैसे हैं। ओके, सो हम माइंड मैप के थ्रू, हम ये माइंड मैप, ये जो मैप आपके माइंड में रहेगा तो आपको ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, सबसे पहले हमने कहा प्लांट्स में सो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, जो अपने नरिशमेंट के लिए सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब जो अपने नरिशमेंट के लिए अदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। लाइक अ स्पेक्ट्रोटाइप, सेमोबायोटिक्स, ठीक है। अब आ जाती है मोनो न्यूट्रिएंट्स। जब मोनो न्यूट्रिएंट्स में मोनो न्यूट्रिएंट्स कितने थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, सेल्फ और अदर। ओके, देन मिनरल्स और साल्ट की नीड कैसे होती है, तो टू एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ प्लांट्स। ओके, अब आ जाती है मिनरल्स। यहां पर मोनो न्यूट्रिएंट्स भी हो गए, प्लांट्स को कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, देन सबसे कौन कौन से मिनरल्स की नीड होती है। फिर गैसियस स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज कौन कौन से करते हैं, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम गिव आउट ऑफ CO2 एंड टेकिंग ऑक्सीजन, देन प्लांट्स गिव आउट, प्लांट्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को, और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, क्लियर। सो गैसियस एक्सचेंज में आपने देखा कि CO2 और O2 एक्सचेंज होते हैं। अब मैनली थ्रू हम देखते हैं जो स्ट्रोमेटा ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर जो स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमेटा क्या करते हैं, एट अ नाइट में रेस्पिरेशन और डे टाइम रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस डे टाइम में करते हैं प्लांट्स, किसके थ्रू, स्ट्रोमेटा के थ्रू। फर्टिलाइजर इंक्लूड, फर्टिलाइजर कौन कौन से इंक्लूड करते हैं, केमिकल एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स। इज दैट क्लियर, दिस माइंड मैप, प्लांट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स को किन किन न्यूट्रिशन की जरूरत नीड होती है। ओके, सो सबसे पहले फिर एक चीज और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि सबसे पहले जस्ट लाइक द CO2 एंड O2 रेस्पिरेशन में डे एंड नाइट, then photosynthesis CO2 or O2 during the day, clear। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑटो और हेट्रो, सेल्फ और अदर, जो बट हमें अभी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ऑटोट्रॉफिक्स के ऊपर ही डिस्कस करना है। तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स, उनको मिनरल्स की भी नीड होती है, गैसियस एक्सचेंजेस भी होते हैं। गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस से होते हैं, स्टोमेटा प्रोसेस से होते हैं। डे टाइम में ओनली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और रेस्पिरेशन, एट अ नाइट रेस्पिरेटरी, ठीक है ना। आपने देखा फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं, सनलाइट, वाटर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड
और क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है, और ये माइंड मैप आपको अपने माइंड में रेडी कर कर रखना है प्लांट्स का, ओके। इससे आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि जो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो कैसे होती है, कहाँ से मिलता है, और उसका कौन सा पार्ट कैसे वर्क